जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 4 इन्वायरमेंटल साइंस का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर की डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं, जिसमें ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, लिथोस्फेयर है। जो लास्ट हमारा लेक्चर था, जो कि लेक्चर नंबर 3 था, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंटल साइंस को, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, डिफरेंट ब्रांचेस थी उसकी, कंपोनेंट्स थे इन्वायरमेंट के। उसका रिमेनिंग जो पार्ट है आज हम डिस्कस करेंगे, इसमें सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आ रहा है। ट्रोपोस्फेयर इज द लेयर ऑफ एयर नियरेस्ट टू द ग्राउंड। ट्रोपोस्फेयर जो है ये लेयर है हवा की, जो कि ग्राउंड के बिल्कुल नियरेस्ट होती है। टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट, टेम्परेचर हाइट के साथ डिक्रीज करता है। द एवरेज टेम्परेचर ड्रॉप्स फ्रॉम 15 डिग्री एट सी लेवल। सी लेवल के ऊपर जो होता है टेम्परेचर, जो एवरेज डिक्रीज होता है, ड्रॉप करता है 15 डिग्री से लेकर -56.5 डिग्री सेल्सियस एट 11 किलोमीटर अबव सी लेवल। सी लेवल से 11 किलोमीटर अबव इट कंटेन्स 70% ऑफ एटमोसफेयर मैस। द डेंसिटी ऑफ ट्रोपोस्फेयर डिक्रीज विद आल्टीट्यूड। जो ट्रोपोस्फेयर होती है, इसकी जो डेंसिटी होती है आल्टीट्यूड के साथ, बुलंदी के साथ डिक्रीज करती जाती है। द एयर नियर द ग्राउंड लेवल इज हीटेड बाय रेडिएशंस फ्रॉम अर्थ, बट टेम्परेचर डिक्रीज अन यूनिफॉर्मली विद आल्टीट्यूड। दिस डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद आल्टीट्यूड इज नोन एज लैप्स रेट। ये लैप्स रेट अलग से शॉर्ट पर्सन बन सकता है। ट्रोपोस्फेयर इज द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर विच इज ट्रांजिशन लेयर बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। तो बेसिकली इसके अंदर उसने ये लिखा हुआ कि इसमें 70% एटमोसफेयर का मैस जो होता है वो कंटेन होता है। उसके बाद इसकी जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज करती रहती है आल्टीट्यूड के साथ, और जो एयर होती है नियर द ग्राउंड लेवल वो हीट हो जाती है किस चीज़ के साथ, रेडिएशंस के साथ, जो कि अर्थ से निकली होती है। बट द टेम्परेचर डिक्रीज, लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज करता रहता है यूनिफॉर्मली। उसके बाद सेकेंड पे आ रहा है आपके पास स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर इज द लेयर ऑफ एयर अबव द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर से ऊपर वाली जो लेयर है वो आपके पास ट्रोपोस्फेयर है, वेयर टेम्परेचर, जहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करता है हाइट के साथ। द एवरेज टेम्परेचर जो कि राइज होता है, इंक्रीज करता है, माइनस, देखिए माइनस लोएस्ट वैल्यू है, -2.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 तक किलोमीटर्स अबव सी लेवल। ओजोन इज फाउंड इन हायर कंसेंट्रेशन बिटवीन 20 and 30 किलोमीटर्स अबव द सर्फेस। ओजोन जो होती है ये फाउंड होती है, ओजोन पाई जाती है 20 से लेकर 30 किलोमीटर जमीन की सतह से ऊपर। एंड समटाइम दिस लेयर इज रेफर्ड टू एज ओजोन लेयर। बाज़कात इसको ओजोन लेयर का नाम भी दे दिया जा करते हैं। ओजोन अब्जॉर्ब रेडिएट एनर्जी फ्रॉम द सन। सन से आने वाली एनर्जी ओजोन लेयर अब्जॉर्ब कर लेती है, एंड हेंस वार्मर टेम्परेचर आर इनकाउंटर्ड इन द स्ट्रेटोस्फेयर। और जो वार्मर टेम्परेचर होता है वो इनकाउंटर हो जाता है किस चीज़ के अंदर, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है, स्ट्रेटोपस इज द टॉप ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर विच इज ट्रांजिशन लेयर बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर। ये स्ट्रेटोपस जो होती है ये टॉप होती है स्ट्रेटोस्फेयर का, या कि स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर वाली लेयर, जिसको टॉपेस्ट लेयर कहते हैं, जो कि ट्रांजिशन लेयर होती है किस चीज़ के दरमियान, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के दरमियान। उसके बाद आ रहा है जी मेसोस्फेयर। ये अलग से शॉर्ट भी पूछे जा सकते हैं आपसे, और ये कंबाइन अगर इसको कर लें तो ये लॉन्ग भी आपसे इन्वायरमेंटल साइंस के हवाले से पूछा जा सकता है। उसके बाद मेसोस्फेयर है। मेसोस्फेयर जो होती है ये लेयर होती है एयर की, जो कि अबव होती है स्ट्रेटोस्फेयर के, जहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज करता है विद हाइट, हाइट के साथ। एवरेज टेम्परेचर डिक्रीज होता है -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक, डिग्री सेल्सियस तक, और कहाँ तक, एट 90 किलोमीटर तक। दिस इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर होती है एटमोसफेयर की, जहाँ पर -90 डिग्री सेंटीग्रेड, देखिए माइनस के अंदर टेम्परेचर है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कोल्डेस्ट होगा। मेसोपस जो होता है ये टॉपेस्ट या टॉप ऑफ मेसोस्फेयर होता है, विच इज ए ट्रांजिशन लेयर बिटवीन मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। देखें हर टॉपिक के अंदर, हर जो स्फेयर आ रही है, एटमॉस्फेयर का जो पार्ट आ रहा है, उसमें वर्डिंग ऑलमोस्ट सेम है। उसके बाद आ रहा है जी थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जो होती है ये लेयर होती है अबव द मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर से ऊपर वाली लेयर है, द टेम्परेचर इन द थर्मोस्फेयर इंक्रीज कर जाता है हाइट के इंक्रीज होने से। बट देर आर नॉट मैनी मॉलिक्यूल्स इन दिस लेयर। लेकिन इस लेयर के अंदर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं होते। द एयर बिकम लेस एंड लेस डेंस एज वी रीच स्पेस। जब तक जैसे जैसे हम स्पेस के अंदर पहुंचते जाते हैं, तो जो एयर होती है उसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है मेजर स्फीयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आ रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर आ रहा है, मेसोस्फेयर है, फिर लिथोस्फेयर है, फिर आयनोस्फेयर है, और फिर एक्सोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर की जो आल्टीट्यूड दी हुई है वो 0 से लेकर 11 किलोमीटर तक है। ये 11 से 50 है, फिर 50 से 85 है, 85 से 500, और 500 से इनफिनाइट तक है। और इनमें टेम्परेचर की रेंज भी दी हुई है, 20 से -56, -56 से -2, ठीक है, फिर -2 डिग्री सेल्सियस से -92, फिर -92 से 1200, और इसके अंदर 1200 से ग्रेटर टेम्परेचर होता है। इसके रिमार्क्स दिए हुए हैं कि इसकी वजूहत क्या है।
इसमें प्रेजेंस होती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर वेपर्स भी होते हैं इसके अंदर, एग्जिस्टेंस ऑफ क्लाउड भी होते हैं, क्लाउड भी मौजूद होते हैं इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ ओजोन होती है, ठीक है, उसके बाद इसके अंदर ऑक्सीजन होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, कोल्डेस्ट रीजन होता है ये, और जो आइनोस्फेयर है इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, और जो एक्सोस्फेयर है इसके अंदर लेस एयर होती है और कंटेन हाइड्रोजन इन आयनिक स्टेट, ठीक है, या आयनाइज्ड स्टेट लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे आ रहा है आपके पास हाइड्रोस्फेयर, दिस कंप्राइजेज ऑल वाटर रिसोर्सेज बोथ सर्फेस एंड ग्राउंड वाटर, द वर्ल्ड्स वाटर इज फाउंड इन ऑशंस एंड सी, लेक्स एंड रिजर्वायर्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, ग्लेशियर्स एंड स्नो कैप्स, ठीक है, इन द पोलर रीजन्स, इन एडिशन टू ग्राउंड वाटर बिलो द लैंड एरियाज, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर अमंग दिस रिसोर्सेज इज अंडर टेबल ओशन और सी में इतने परसेंट वाटर है, ग्लेशियर्स और पोलर आइस कैप्स के अंदर इतने परसेंट, 2-3% है, फ्रेश वाटर जो है वो लेस देन 1% पाया जाता है, मतलब 100% में से 1% जो वाटर है वो आपके पास फ्रेश पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है द वाटर लॉक्ड अप इन द ओशंस एंड सी आर टू साल्टी एंड कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फॉर ह्यूमन कंजप्शन, डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल पर्पज, ओनली लेस देन 1% ऑफ वाटर रिसोर्स आर अवेलेबल फॉर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन, ठीक है। वो कह रहा है कि जो समंदर्स झीलों के अंदर समंदर्स के अंदर पानी पाया जाता है सी वाटर, ये हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साल्टी होता है, तो जो फ्रेश वाटर पाया जाता है वो 1% से भी कम होता है। लिथोस्फेयर है लास्ट पे, द अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड लिथोस्फेयर, सबसे अपर क्रस्ट जो है वो लिथोस्फेयर है, इट इज मेड अप ऑफ सॉइल, मिनरल्स, रॉक्स एंड अदर ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक मैटर, द लिथोस्फेयर कवर्स द क्रस्ट ऑफ अर्थ एंड एक्सटेंड अप टू 100 किलोमीटर, जो लिथोस्फेयर होती है ये अर्थ क्रस्ट को जो है ना वो करती है, कवर करती है, और ये अपर लेयर होती है अर्थ क्रस्ट की, जमीन के अर्थ की सबसे अपर लेयर जो है ये लिथोस्फेयर होती है, और इसका ये टेबल बना हुआ है यहाँ पर, इसमें इग्नियस रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, और यहाँ पर ये लास्ट पे लिखा हुआ है मेसोमॉर्फिक रॉक्स, ठीक है, ये इसके यहाँ पर फॉर्मेशन दी हुई है, ये कूलिंग ऑफ हॉट लावा और मैग्मा इसके अंदर होता है, ठीक है, ये आप रीड आउट कर लीजिएगा, इसकी एग्जाम्पल्स भी साथ दी हुई हैं। इसके अलावा लास्ट पे बायोस्फेयर है, बायोस्फेयर क्या होता है, इट इज़ दैट पोर्शन ऑफ द अर्थ सर्फेस, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोसफेयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट, वो कह रहा है कि ये वो पोर्शन है अर्थ सर्फेस का जिसमें हाइड्रोस्फेयर और एटमोसफेयर का जहाँ पर लाइफ जो है वो क्या कर सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है। बायोस्फेयर इज अ बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद फिजिकल इन्वायरमेंट, इसकी एग्जाम्पल है सॉयल, वाटर एंड एयर, ठीक है जी। यहाँ पर एक स्केच बनाया गया है इन्वायरमेंट के हिसाब से कि यहाँ पर सबसे पहले जो इन्वायरमेंट है उसको डिवाइड किया गया दो कंपोनेंट्स में, जिसमें सबसे पहला एबायोटिक कंपोनेंट जो कि नॉन लिविंग होता है, फिर बायोटिक कंपोनेंट जो कि लिविंग होता है। फिर यहाँ पर बायोटिक के आगे दो हिस्से हैं, मतलब बायोस्फेयर है, फिर बायोस्फेयर के अंदर प्लांट किंगडम है और एनिमल किंगडम है, फिर यहाँ पर एबायोटिक जो कि नॉन लिविंग है इसमें लिथोस्फेयर आ जाता है, हाइड्रोस्फेयर आ जाता है और एटमोस्फेयर आ जाता है। लिथोस्फेयर के अंदर आगे तीन किस्म की रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक्स हैं, उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोस्फेयर के अंदर आपके पास ये इसकी टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है जी, इसमें ग्राउंड वाटर आ जाता है, उसके बाद सरफेस वाटर आ जाता है, फिर आगे इसकी दो और टाइप्स हैं, ठीक है, स्लाइड वाटर है, फ्रेश वाटर है, उसके बाद फिर आगे इसकी तीन टाइप्स हैं, ये एटमॉस्फेयर की जिसमें ट्रोपोस्फेयर आ जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर आ जाता है, मेसोस्फेयर आ जाता है, थर्मोस्फेयर, फिर थर्मो के आगे दो टाइप्स हैं जिसमें ट्रोपोस्फेयर और एक्सपोस्फेयर होता है, एक्सोस्फेयर सॉरी आइनोस्फेयर है और एक्सपोस्फेयर है यहाँ पर, ठीक है। द फोर मेजर स्फेयर ऑफ इन्वायरमेंट ऑन अर्थ होती हैं, तो ये पूरा एक स्केच बना हुआ है, आप इसको रीड आउट कर लें, ठीक है। इन्वायरमेंट, फिर इन्वायरमेंट के आगे एबायोटिक, बायोटिक, एबायोटिक में नॉन लिविंग, बायोटिक में लिविंग, फिर इसकी आगे दो टाइप्स, लिथो, हाइड्रो, एटमो, एटमो के आगे फिर ये नीचे चार हैं जो आप डिटेल से पढ़ चुके हैं, फिर लिथो के अंदर ये तीन किस्म की रॉक्स आ रही हैं, हाइड्रो के अंदर दो किस्म का वाटर आ रहा है, फिर उसकी आगे दो टाइप्स आ रही हैं, फिर उसकी आगे फर्दर मुख्तलिफ टाइप्स हैं, ठीक है जी। तो ये एक स्केच है, अगर आप स्केच को माइंड में रख लें तो उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।